आज हम नान बना रहे हैं, उसके लिए मैंने लिया है 2 बड़े कप मैदे। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम पानी यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक बाउल लेंगे। उसमें मैदे के हिसाब से मैंने 1 कप दूध लिया है जो थोड़ा गर्म है, वो डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही एकदम फ्रेश। और 1 छोटा कप रिफाइंड ऑयल, अभी आधा ही डालेंगे उसको। अब उसको मिक्स करेंगे। तो ये मिक्सचर को इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर इसको मिक्स करेंगे। अब 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। अब मैंने मैदे की लोई ली है, अब इसको अच्छे से वो क्या अच्छे से मैदे में इसको डिप करेंगे। हाथों से इसको बेल लेंगे। फिर थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे हम। थोड़ा सा हरा धनिया, पीछे के साइड में हम इसमें पानी लगाएंगे ताकि ये हमारा तवे पर अच्छे से चिपक जाए। और इसमें बबल्स आने शुरू हो गए।
हाई मीडियम करके हम इसे आगे की ओर सेकेंगे।